हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर फोर्टी फाइव से औरल कम्युनिकेशन वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन औरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स क्या करना है हमने के लर्निंग द साउंड यानी के साउंड्स को लर्न करना है ठीक हम है हमारे पास क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स कलर द वर्ड्स यू हैव रेड इन द पोएम येलो क्या करना है कि आपने इन वर्ड्स को रीड करना है और वर्ड्स को रीड करने के बाद जो वर्ड्स आपने पोएम में पढ़े हैं आपने उनमें येलो कलर करना है ठीक है तो ब्राट ब्राट हमने पोएम में पढ़ा है तो इसमें येलो कलर करेंगे फाउंड फाउंड जो है वो पोएम में नहीं है हम इसे कलर नहीं करेंगे देन अडल्ट एडल्ट को भी हम येलो कलर करेंगे देन हमारे पास स्काई स्काई हमारे पॉइंट में नहीं है और टॉय टॉय में भी हम येलो कलर करेंगे राइट देन वी हैव इनिशियल साउंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है जो सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है दैट इज इनिशियल साउंड इनिशियल साउंड क्या है कि यानी कि जो वर्ड का आपका फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट साउंड जो है वो आपका इनिशियल साउंड के लाता है ठीक है तो इसमें हमने इनिशियल साउंड को रीड करना है को लिखा हुआ है हमारे पास रीड एंड से द गिवन वर्ड्स रीड करना है हमने वर्ड्स को हमारे पास लिखा हुआ है रन गन फन हैट कैट मैट टेन हैन पेन अब रीड मी में क्या लिखा हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं कि रीड मी में क्या लिखा हुआ है रीड मी में लिखा हुआ है वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स यानी कि हम फर्स्ट लेटर को चेंज करके नए वर्ड्स बना सकते हैं ठीक है तो आप देखें ये लिखा हुआ है आर यू एन रन जी यू एन गन एफ यू एन फन तो देखें कि फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज करके एक न्यू वर्ड बनना है ठीक है तो ये इसी यही कहा जा रहा है कि हम फर्स्ट लेटर चेंज करके हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं अब देखें एच ए टी हैट सी ए टी कैट एम ए टी मैट अब हमने फर्स्ट लेटर चेंज किया है बाकी ए टी वो सेम रहे हैं और एक न्यू वर्ड बनते गए हैं इस तरह हम और भी मजीद जो हैं वो न्यू वर्ड बना सकते हैं न्यू लेटर लगा सकें देन देखें इसमें देखें टी ई एन टेन एच ई एन हैन पी ई एन पेन तो देखें इसमें भी फर्स्ट लेटर चेंज करके जो है वो ई एन तीनों में है और फर्स्ट लेटर चेंज करके जो है वो न्यू वर्ड बना है तो इस तरह से हम और भी मजीद न्यू वर्ड्स बना सकते हैं फर्स्ट लेटर को चेंज करके ठीक है देन हमारे पास है लर्निंग टू स्पीक लर्निंग टू स्पीक यानी कि स्पीक माने होता है बोलना के लर्निंग टू स्पीक बोलना सीखना इसमें हमारे पास क्या है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स डायलॉग्स मीन्स होता है मुकालमा ठीक है डायलॉग मीन्स होता है मुकालमा बातचीत करना अब ये बातचीत जो है वो फादर एंड उनके सन के आ, सन के درمیان है ठीक है यह मुकालमा फादर और सन के درمیان है लिखा है फादर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स फादर क्या अब्बू या वालिद साहब जो जा अब्बा जान आप मुझे क्या कुछ स्नैक्स सन, खरीद देंगे बाय मींस होता है खरीदना ठीक है बाय मींस होता है खरीदना सम माने कुछ फादर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स क्या आप मुझे कुछ स्नैक्स खरीद देंगे फादर बोल रहे हैं यस श्योर जी जरूर थैंक यू फादर शुक्रिया अबू यू आर वेलकम खुश आमदीद ठीक है तो ये मुकालमा जो है फादर और सन के दरमियान था देन हमारे पास है टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एक्सप्रेस यूर नीड्स यूजिंग द एक्सप्रेशन यू हैव लर्न अबाउट क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई नीड्स हैं तो आपने इन्हीं एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए जो कि आपने ऊपर सीखी हैं आपने उन, अपने पेरेंट्स से कहना है तो हम इसी में चेंजिंग ले आते हैं जैसे इन कहा फ़ादर कुड यू बाय मी सम आप इसमें लिख सकते हैं कलर पेंसिल्स ठीक है जिस चीज़ की आपको नीड है कलर पेंसिल लेड पेंसिल बुक कॉपी वॉट जो भी आप आ, अपनी नीड्स को कंप्लीट करवाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि फुलफ़िल हो तो उसके लिए हम डायलॉग बनाते हैं फादर कुड यू बाय मी सम कलर पेंसिल्स फादर यस श्योर जी ज़रूर थैंक यू फ़ादर शुक्रिया फ़ादर यू आर वेलकम खुश आमदीद ठीक है तो इस तरह से जिस चीज की भी आपको नीड होगी आप उसके लिए जो है वो स्नैक्स की जगह वो आप राइट डाउन कर लें तो सेम आपका इसी डायलॉग से आपका एक नया डायलॉग बन जाएगा राइट नाउ कम टू द पेज नंबर फोर्टी सिक्स इन पेज नंबर फोर्टी सिक्स वी हैव रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास आंसर दिस क्वेश्चन हैं ठीक है हमारे पास कुछ आंसर्स हैं हमने इनको क्वेश्चन uh, हैं इनको हमने आंसर करना है फर्स्ट क्वेश्चन है इस शेयरिंग अ गुड हैबिट क्या शेयरिंग जो है ये एक अच्छी आदत है हैबिट होता है आदत ठीक है हैबिट मीन्स होता है आदत तो आपके पास है इज शेयरिंग अ गुड हैबिट क्या शेयरिंग करना जो है एक अच्छी आदत है डू यू हैव दिस हैबिट और क्या आप में ये आदत है पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं देन इनको आंसर्स में आपको करवा देती हूँ। सेकंड हमारे पास है वुड यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स व्हाई क्या आप अपनी चीजों को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना पसंद करते हैं क्यों थर्ड हमारे पास है व्हाट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स आप क्या शेयर करना पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने राइट ऑन किए हुए हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आपको दिखा देती हूँ तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिख लेना है ठीक है तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इज शेयरिंग आ गुड हैबिट तो पहले हमने इसका आंसर किया है यस शेयरिंग इज अ गुड हैबिट देन उसी के आगे सेकेंड क्वेश्चन था डू यू हैव दिस हैबिट क्या आप में ये हैबिट है येस आई हैव दिस हैबिट

राइट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री भी है व्हाट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स आप क्या शेयर करना पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो इसका आंसर है आई लाइक टू शेयर माई टॉयज विद माई फ्रेंड्स आप जो भी चीज़ शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ आपने वो टॉयज की जगह वो लिख लेना है ठीक है इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जैसे आई लाइक टू शेयर माई बुक्स विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू शेयर माय पेंसिस विद माय फ्रेंड्स जो भी आप चीज शेयर करते हैं वॉइस की जगह आप वो लिख सकते हैं ठीक है तो ये आंसर मैंने आपके लिए कर दिया आई लाइक टू शेयर माय वॉइस विद माय फ्रेंड्स राइट तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के आंसर भी कर लिए हैं देन हम देखते हैं कि पेज नंबर 46 पर हमारे पास क्या है ठीक है देन हमारे पास है डायग्राम्स डायग्राम्स में हमारे पास है रीड रीड दीज वर्ड्स विद डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायग्राफ्स क्या होते हैं जब दो लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डायग्राफ्स और डायग्राफ्स यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन में भी हैं और फाइनल पोजीशन में है इनिशियल पोजिशन यानी कि शुरू की ठीक है और फाइनल आखिर की वर्ड की शेरू की पोजिशन ठीक है इनिशियल शुरू की और फाइनल जो है वो लास्ट की पोजिशन अब इनिशियल में CH जो है, है साउंड है. और और है उसमें चेंजिंग नहीं आ रही चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा है इनिशियल में आ रहा है या फाइनल में उसका साउंड सेम है लेकिन जो है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है देखें, चिप्स चिक च साउंड आ रहा है इधर फाइनल पोजीशन में देखें मच ईच च साउंड आ रहा है ठीक है देन हमारे पास है एस एच एस एच जो है वो श साउंड क्रिएट करता है ठीक है एस एच जो है वो श साउंड देता है इनिशियल पोजीशन में इसका जो साउंड है हमारे पास है वो शिप शेप और फाइनल में है फिश विश ठीक है अब देखें श क्या ही साउंड आ रहा है चाहे वो इनिशियल पोजिशन में है या फिर फाइनल पोजिशन में है देन हमारे पास है फ साउंड ph ठीक है ph फर्स्ट साउंड है हमारे पास इनिशियल में है फोटो फेस और फाइनल में है ग्राफ और डायग्राफ ठीक है फर्स्ट साउंड है देन हमारे पास th द अच्छा ये कहीं-कहीं जो है वो द साउंड प्रोड्यूस करता है कहीं-कहीं थ होता है ठीक है तो यहाँ पर जो इसका इनिशियल साउंड आ रहा है थिक थिंक और फाइनल में आ रहा बाथ मैथ ठीक है ये तो हमारे हो गए डायग्राम्स और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि आप इनको जो है वो अगेन रीड करें ठीक है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन आप इस लेसन को जो है दोबारा रीड करें और करेक्ट ऑप्शन के साथ इनको ब्लैंक्स को फिल करें तो फर्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक है वो ये है द पोएम इज अबाउट डेस्ट पॉइम uh, जो है वो किसके बारे में थी ईटिंग के बारे में थी स्लिपिंग के बारे में थी शेयरिंग के बारे में थी या फिर फाइटिंग और ब्लैंक में हमने शेयरिंग लिख लेना है. Right? 47, option, आपको पहले भी बताया कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं राइमिंग होते हैं जिनका एंडिंग साउंड सेम हो तो यहाँ पर जो है द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स फॉर फन इज अब ये देखें कि इसका fun का जो होगा होगा वो होगा. Sun, तो हम sun को tick कर देंगे और यहाँ पर ब्लैंक्स में भी हम सन लिख लेंगे है तो क्या आएगा डी ऑप्शन आएगा अडल्ट हम अडल्ट डी uh, को टिक कर लेंगे ठीक है और अडल्ट हम जो है वो ब्लैंक में लिख लेंगे Then हमारे हमारे पास पास में 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 है language focus और language focus में हमारे है है और और ठीक क्या कह रहे हैं कि read given words with their meanings. ये इन words को आप रीड करें और इनकी मीनिंग के साथ फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है इंसिस्ट इंसिस्ट माने होता है इसरार करना ठीक है टू डिमांड सेकेंड है सर्टेन श्योर यानी कि जिसमें कोई डाउट ना हो यकीनन और ब्रॉड मीन है दन बेडली यानी कि जो बुरा सलूक करे बुरा attitude वाला ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है रीड मी में भी लिखा हुआ है uh, rhyming words को हमने बहुत ज्यादा जो है वो हमारा रिविजन भी होता गया है राइमिंग वर्ड्स अगेन में एक्सप्लेन करती हूँ कि राइमिंग वो वर्ड्स होते हैं जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है ठीक है राइमिंग वर्ड्स में हमारे पास क्या है रीड द गिंग वर्ड्स इन राइमिंग वर्ड्स को हमने रीड करना है राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं रीड में भी, भी लिखा हुआ राइमिंग है राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड राइमिंग वर्ड्स का एंडिंग साउंड जो है वो सेम होता है तो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि इन, इन जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको रीड करें सन फन रेन ट्रेन बैट ब्रॉट Then हमारे पास है सर्कल वर्ड्स वर्ड्स इन ईच दैट विद गिवन आपने क्या करना है सर्कल करना है ये आपको वर्ड वेल well दिया है तो वेल well का आपने राइमिंग वर्ड जो है उसको सर्कल करना है जो चार वर्ड आपको दिए हैं तो वेल फेयर फेयर नहीं हो सकता रेड भी नहीं हो सकता वेल well, स्मेल तो हम किसको सर्कल करेंगे हम स्मेल को सर्कल कर रहे हैं और मैंने स्मेल को सर्कल कर दिया है ठीक है देन हमारे पास है लैक जो रामिंग वर्ड है वो है कोट और यहाँ पे शेल और फाइट है ये दोनों नहीं है फ्लोट का जो राइमिंग वर्ड है वो है कोट तो इस तरह वेल का रामिंग वर्ड जो हुआ जिसको हमने सर्किल किया वेल स्मेल लेक रेक फ्लोट कोट देन है कलर्स कलर्स के जो हमने क्या करना है रीड एंड द नेम्स ऑफ द कलर्स हमने इनको रीड करना है और इन कलर्स को जो है वो आइडेंटिफाई भी कर लेंगे साथ में आर ई डी रेड रेड माने होता है सुर्ख कलर लाल रंग जी आर डबल ई एन ग्रीन ग्रीन माने होता है हरा सब्स बी एल यू ई ब्लू ब्लू माने होता है नीला वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो येलो माने पीला बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन ब्राउन माने भूरा ठीक है तो इनके कलर्स की आपने स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेनी uh, है नाउ इन पेज नंबर फोर्टी फोर्टी एट भी है शेप्स ठीक है यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी काफ़ी वर्क का आया हुआ है जैसे प्रीवियस हमने पढ़ा तो हमारे पास जो थे इनवर्स काउंटिंग भी थी अब यहाँ पर हमारे पास है शेप्स शेप्स में कहते हैं रीड एंड से द नेम्स ऑफ द शेप्स हमने क्या करना है रीड करना है और इन शेप्स के नेम लेने हैं ठीक है पहली जो शेप है हमारे पास स्क्वेयर है ंगल ओवल एंड स्टार ठीक है ये देखें एस क्यू यू एर स्क् टी आर आई ए एन जी एल ट्राइंगल आर ई सी टी ए एन जी एल इेक्टेंगल ओवल ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है कलर द द ऑफ द फ्लावर फॉलोइंग द गिवन की अच्छा इसमें क्या करना है आपने ये फ्लावर दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि ये कलर दिए हुए कि जो आपका स्क्वायर होगा उसमें आपने ब्राउन कलर करना है तो देखें मैंने इसके सामने लिख दिया है कि इसमें आप ब्राउन कलर करेंगे देन ग्रीन जो है हमारे पास क्या है ट्राइंगल है तो ये देखें दोनों ये ट्राइंगल बने हुए हैं तो उसमें आपने ग्रीन कलर करना है येलो येलो आप सर्कल में करेंगे तो येलो इसका जो फ्लावर है उसका देखें गोल वाला यहाँ पर ये बना हुआ है तो उसको आप येलो कलर करेंगे और जो है आपका ओवल है तो वहाँ पर ओवल में आप रेड कलर करेंगे जो पेटर्स हैं इसके फ्लावर के, के उसमें आप रेड कलर करेंगे ठीक है तो इसकी की दी हुई थी कि इन इस फ्लावर में इस तरह से कलर करें नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल लर्निंग टू स्पेल यानी कि स्पेलिंग सीखना स्पेलिंग लर्न करना रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द बॉक्सेस बिलो ये आपको नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू इन वर्ड्स के आपने इन इसकी फॉर्मेशन के आपने इनको फिलअप करना है पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर हम देख लेते हैं आई एस इज यू पी अप था और दो बड़े तो हमने इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से इन बॉक्सेस की शेप के हिसाब से हमने इसमें फिलअप करना था तो इसमें इस तो अब दोनों नहीं आने थे तो ऑल हमने लिखा देन हर लिखा ठीक है एस ओ एम ई सम लिखा इस तो मैंने ये अकॉर्डिंग टू इनकी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इनकी शेप्स जो मैंने फिल कर दिए हैं ठीक है तो इसी तरह से आपने भी इनको फिल अप कर देना है देन इन पेज नंबर वी फिल इन द मिसिंग लेटर टू द वर्ड्स ये वो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें से स्पेलिंग जो है कोई ना कोई लेटर जो है मिस है उसको हमने लिख कर इन वर्ड्स को कम्प्लीट करना है ठीक है तो आप पहला जो वर्ड था हमारे पास इंसिस्ट था इसमें एस जो था वो मिसिंग था मैंने लिख दिया है देन सर्टेन सी मिसिंग था वो मैंने लिख दिया अडल्ट का यू मिसिंग था वो लिखा है ब्रॉट का ए मिसिंग था और ग्रो का डब्ल्यू मिसिंग था तो हमने इनके जो मिसिंग लेटर्स थे वो लिख कर जो है हमने इनको वर्ड्स को कम्प्लीट कर दिया है फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसिस्ट सर्टेन अडल्ट ब्रॉट ग्रो देन हमारे पास है ग्रामर वर्क ग्रामर वर्क में हमारे पास है मस्कुलाइन एंड फेमी एंड फेमिनाइन ये ग्रामर वर्क है रीड दास्कुलन अच्छा, क्या होता है मेस्कुल जो है वो मेल के लिए यूज होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर बॉय, सन ठीक है अंकल तो ये मेस्क्युलाइन हुए ठीक है मेल के लिए जो है वो मेस्क्यूलाइन और फेमीनाइन जो है वो फीमेल्स के लिए लाइक मदर सिस्टर डॉटर ठीक है तो इस तरह से हम मेस्कुल और फेमिनाइन को भी कर लेते हैं हमारे पास रीड में क्या लिखा हुआ है अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल ये देखें रीडमी में, में लिखा हुआ है अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल इज कॉल्ड एंड अ नाउन अच रिप्रेजेंट अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जो अभी मैंने आपको बताया कि मेल को जो रिप्रेजेंट करता है वो मेस्कुलाइन है जैसे में फादर आ जाएंगे आपके सन आ जाएगा अंकल आ जाएंगे ठीक है और फीमेल्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो है फेमिनाइन ठीक है तो हम इसको रीड कर लेते हैं बॉय लड़का गर्ल लड़की बुल जो है वो आपका बेल और गाय, मैन मर्द, वुमेन औरत हॉर्स घोड़ा, मेयर जो है वो घोड़ी ठीक है यहाँ पर हमने रीड करना था मैच द मेस्कुलाइन नाउंस विद द फेमिनाइन नाउंस इसमें जो है आपने मैचिंग करनी है मेस्क्यूलाइन को जो है आप फेमिनाइन के साथ मैच करेंगे तो फादर मदर अंकल, आंट, लाइन, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है? इसमें हमने मैचिंग करनी थी ये ग्रामर वर्क है इसको भी बहुत अच्छी तरह जो है आपने अंडरस्टैंड कर लेना है उसको मेमोराइज भी कर लेना है नाउ इन पेज नंबर फिफ्टी वी हैव, इन पेज नंबर फिफ्टी वी हैव दीज एंड दोज आपने प्रीवियस जो है हमने पढ़ा है दिज और देट को और ये इसके प्लूरल्स हैं यानी कि दिज और देट एक एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था और अब हम बात करें दिज और दोज की यानी कि ये एक से ज्यादा चीज़ों के लिए दो या दो से ज्यादा चीज़ों के लिए हम दीज और दोज यूज़ करते हैं दिज वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे करीब की चीज़ के लिए और दैट यूज कर रहे थे दूर की चीज़ के लिए इसी तरह यहाँ पर दिज जो है वो दिस का प्लूरल है और दोस्त जो है वो डेट का प्लूरल है ठीक है तो दिस जो है हम यहाँ पर दिज जो है वो जो हमारे करीब की चीज़ें होंगी उनके लिए इस्तेमाल करेंगे और दोस्त जो है जो हाँ चीज़ें हमसे दूर होंगी जो हमसे दूर होंगी उनके लिए हम दैट यूज़ करेंगे हम देख लेते हैं रीडमी में भी कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं देन हम इसको जो है सॉल्व करते हैं रीडमी में लिखा हुआ है वी यूज़ दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंगस नियर एस ठीक है दीज जो है जो चीजें हमसे या जो लोग हमसे करीब होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं वी यूज दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स दैट आर अवे फॉर एस वही बात के जो चीजें हमसे करीब होती हैं उनके लिए हम दीज यूज करते हैं और जो चीजें हमसे दूर हैं उनके लिए हम दोज यूज करते हैं ठीक है तो फर्स्ट है दीज दो देखें कि ये ये इशारा कर रहा है ठीक है पॉइंट आउट कर रहा है तो कार्स जो हैं वो दूर हैं तो यहाँ पर हम दोस्त को सर्किल करेंगे क्वेश्चन में लिखा है सर्किल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर पिक्चर को देखते हुए आपने करेक्ट पॉइंटिंग करनी है कि आप दीज को सर्किल करना है या दोस्त को करना है तो डेफिनेटली ये देखें कार्ड्स जो हैं वो दूर हैं तो उसके लिए हम दोस्त को सर्किल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास दीज फिर ऑब्लिक के साथ दोज आर बुक्स अब देखें बुक्स जो हैं वो करीब हैं यहाँ पॉइंट आउट हो रहा है तो यहाँ पर हम दीज को सर्किल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है दीज वॉचेस तो अब देखें वॉचेस जो हैं वो डिस्टेंस देखें दूर रहें दूर की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं ये तो हम यहाँ पर दोज को सर्किल करेंगे दीज कलर पेंसिल्स तो पेंसिल्स जो देखें नियर हैं तो यहाँ पर हम दीज को सर्किल करेंगे देन हमारे पास है दीज दोज आर कफ्स तो देखें कफ्स दूर हैं तो यहाँ पर हम दोज को सर्किल करेंगे आई होप को आपको दीज और दोज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा नाउ वी हैव आर्टिकल्स ए और एन अब हमारे पास जो है आर्टिकल्स हैं ए और एन क्या कह रहे हैं इसमें रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ ए और एन कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स पढ़ लें इसकी आर्टिकल्स की ए और एन की तो इसमें हम पढ़ लेते हैं रीडमी में पहले देख लेते हैं रीडमी में क्या लिखा हुआ है रीड uh, में भी लिखा हुआ है वी यूज अ बिफोर आर नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट वी यूज एन बिफोर आर नेमिंग वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवेल ठीक है के uh, हमने ए यूज़ कहाँ करना है ए हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर जो जो वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे ठीक है और एन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर जो वर्ड्स जो हैं वो वोवेल के साथ स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे और जहाँ पर कॉन्सोनेंट है वहां पर हम यूज करेंगे ठीक है तो ये पढ़ भी लेते हैं देखें बी जो है बटरफ्लाई बटरफ्लाई जो है तो आ बटरफ्लाई एन एम्ब्रेला यू जो है तो देखें एन एम्ब्रेला एन एप्पल ए जो है वोवल है तो एन एप्पल एन इंसेक्ट्स एन इंसेक्ट जो है एन जो है आई जो है वो एन से वोविल है तो ये तो एन से स्टार्ट हो रहा है आर्ट्री

तो नेक्स्ट जो है हमें इसकी एक्सरसाइज भी दे दी है कि आप इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करें तो पेज नंबर फिफ्टी वन पर हमारे पास है लुक एट द पिक्चर ब्लो लेबल द थिंग्स यूजिंग ए और एन हमने क्या करना है कि हमने ए और एन को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को जो है हमने फिलअप करना है ठीक है लुक एट द पिक्चर बिलो लेबल द थिंग्स यूजिंग ए और एन कार लिखें सी ए आर कार जो है एक कॉन्सोनेंट है ठीक है तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसके साथ जो है वो ए लगाएंगे देन आ सन सन एस यू एन सन एस बी ए कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर भी हमने आ लगाया है देन एरोप्लेन एरोप्लेन ए जो है वो एक वोवेल है तो इसके साथ हमने एन लगाया है एन आर्टिकल है ठीक है देन एन ऑरेंज ऑरेंज जो है वो भी ओ जो है वो भी वोवेल है तो यहाँ पर भी हमने एन लगाया है देन एन आइसक्रीम आई जो है वोवेल है एन लगाया है आ बॉल बी जो है वो कंसोनेंट uh, है तो यहाँ पर हमने आ, आ लगाया ठीक है देन हमारे पास है राइटिंग लर्निंग टू राइट यानी क्या करना है हमने लिखना सीखना है हमारे पास क्या क्वेश्चन है राइट फोर नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स बाय लुकिंग एट पिक्चर ये पिक्चर देखनी है आपने पहले ठीक है इस पिक्चर में देखते हुए आपने फोर नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं और आपने फोर जो है वो एक्शन वर्ड्स लिखने

आप अगर चेंज भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नेमिंग में हमने सन सन देखा पीछे बर्ड्स फ्लावर्स टेंट टेंट भी था ठीक है और एक्शन वर्ड्स में हमारे पास राइजिंग यानी कि सूरज जो है वो सन जो है वो निकल रहा है उभर रहा है ठीक है फ्लाइंग परिंदे उड़ रहे हैं क्लीनिंग सफाई कर रहे हैं फिशिंग फिशिंग हो रही है ठीक है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग राइट फोर सेंटेंसेस अबाउट माय फैमिली यूजिंग द गिवन वर्ड्स बैंक ये वर्ड बैंक दी हुई है हमें और कह रहे हैं कि इसको यूज करते हुए जो है अपने फोर लाइंस लिखनी है माय फैमिली पर ठीक है तो ये वाला काम भी मैंने आपके लिए कर दिया है आप इसमें चेंजिंग दी सेंटेंसेस कर सकते हैं आई लव माय फैमिली वेरी मच तो हमने लव को यूज़ कर लिया वर्ड बैंक में जो वर्ड दिए हुए हमारे पास है लव तो हमने इसको यूज़ कर लिया आई लव माय फैमिली वेरी मच देन हमारे पास सेकंड है माय फैमिली हेल्प मी इन माय स्टडीज तो हमने हेल्प को भी यूज़ कर लिया सेकंड सेंटेंस में देन प्ले है आई ऑलवेज प्ले विद माय सिबलिंग्स ठीक है आई ऑलवेज प्ले विद माय सिबलिंग्स तो हमने इसमें प्ले को भी यूज़ किया देन फोर्थ हमारे पास है फादर फादर हेड ऑफ फैमिली मेरे फादर जो है, वो हमारी फैमिली के हेड ऑफ हैं ठीक है यानी कि सरबरा है तो इस तरह से हमने इन वर्ड्स बैंक को यूज करते हुए जो है वो हमने फोर लाइन लिखी हैं माय फैमिली पर आई होप कि आपको तमाम चीजें जितने भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं अच्छी तरह आपको समझ में आगे होंगे ठीक है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी मुझे मैसेज करके कमेंट करके आपने पूछना है ठीक है मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गुड बाय टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन